स्टूडेंट तुमर जति सब प्लस टू भाई भोनी माने प्लस प्लस थ्री भाई भोनी माने अछंती तो स्पेसिफिकली आज वीडियो जो मैंने प्लस थ्री मैथ्स ऑनर्स आउ प्लस थ्री फिजिक्स ऑनर्स करछंती पाई बहुत इंपोर्टेंट रहइबो काहेकि आज वीडियो रे तुमने बेसी गोटे फंडामेंटल पाइबे कि आम आज वीडियो रे कौन पढ़ा मल्टीपल इंटीग्रल विषय तो मल्टीपल इंटीग्रल टी हमर कोन फर्स्ट सेम रे हमर फर्स्ट सेम और सेकंड सेम रे फिजिक्स ऑनर्स पिलावन कर यूज हबो आ जतले हायर स्टडी तुमर के जतले कोन करियो तुमर मैथ्स ऑनर्स पिलावन कर फोर्थ सेम रे किबा फिफ्थ सेम रे जाकी तांगर यूज हबो बुझ पलो स्टूडेंट तो समस्त रिक्वेस्ट करबी आज रो वीडियो टी बहुत भल से देखंथु काहेकि बहुत बड इंपोर्टेंट टॉपिक पढे जाउ छ दैट इज कॉल्ड मल्टीपल इंटीग्रल तो देखो स्टूडेंट हमें प्लस टू कौन पढ़ी आसो क्लास ट्वेल्व कौन पढ़ी सिंगल इंटीग्रल आम केवल गोटे थर इंटीग्रेशन करूँ कि प्लस थ्री आसगल हायर स्टडी कर तो आम डबल इंटीग्रल पढ़ा आउ ट्रिपल इंटीग्रल पढ़ा तो डी प्रकार इंटीग्रल पढ़ा पुणी डबल इंटीग्रल टाइप्स ऑफ इंटीग्रल विषय पढ़ा पोलर फॉर्म रहा चेंज ऑफ वेरिएबल फॉर्म तो इन बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड रे पढ़ा तो आज वीडियो ध्यान से देखो तो चलो स्टूडेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करवा तो कौन कह तो मल्टीपल इंटीग्रल तो मल्टी मीन्स मोर देन वन दैट इज कॉल्ड मल्टी तो मोर देन वन टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन को हमको मल्टीपल इंटीग्रल तो देखो द इंटीग्रल ऑफ द टाइप तो कौन लिखा है दीटा इंटीग्रल देखो एस लिखा है एस मीन्स सरफेस किबा सरफेस एरिया तो हमें डबल इंटीग्रल कौन फाइंड करू एरिया फाइंड करू बुझ पाला गोटे सरफेस एरिया फाइंड करू से एस लिखा है एफ ऑफ एक्स वाई डीएच डीवाई तो हम कौन करेगा जमी इन नॉर्मल इंटीग्रेशन करूँ तो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स रे करूँ ना विथ रेस्पेक्ट टू वाई रे कि कौन डबल इंटीग्रेशन करवा तो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स रे थे विथ रेस्पेक्ट टू वाई रे थे तो दिथर करवा सेमती ट्रिपल इंटीग्रेशन करवा थे एक्स रे थे वाई रे थे जेड रे बुझ पाल स्टूडेंट तो लिखा है एस एफ ऑफ एक्स डीएच डीवाई एंड ट्रिपल इंटीग्रल वी लिखे तो वी मीन हमें ट्रिपल इंटीग्रल को भी जिनसर वॉल्यूम कैलकुलेट करू से वी लिखा है तो v f of x y z dx dy dz आर नोन एज मल्टीपल इंटीग्रल बुझ पाला स्टूडेंट तो मोर देन वन इंटीग्रल को हमें मल्टीपल इंटीग्रल करछु तो मल्टीपल इंटीग्रल भितरे हमर डबल इंटीग्रल आसुछि आउ ट्रिपल इंटीग्रल आसुछि तो आज रो वीडियो रे हमें डबल इंटीग्रल विषय कथा कहबा नेक्स्ट वीडियो रे हमें ट्रिपल इंटीग्रल विषय डिस्कशन करबा हला तो चलो फर्स्ट होछि हमर डबल इंटीग्रल तो देखो कोन कोन नोटेशन अछि ताउ सेटी देखि दवा इफ r r होछि कोन गुटे रीजन इफ r इज अ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to f on x, y is equal to f to x, x is equal to a to x is equal to b. Then double integral को हमने क्या लिखा है? Double integral of f of x y ds. Ds means surface. Integration of x is equal to a to x is equal to b. Does next integration of y is equal to f on x to y is equal to f to x, f of x y dy ds. समझ पाला? Next और देखिए हम outer notation लिख चुके हैं, तब भी लिख पा रहे हो. समझ पाला? तो ये थियोरेटिकली हमें डबल इंटीग्रल को कैसे रिप्रेजेंट करू नेक्स्ट हमें देखिए डबल इंटीग्रल करियार कैसे छ मेन टॉपिक कौन क्वेश्चन कैसे करियार छ तो डबल इंटीग्रल क्वेश्चन कैसे करबा ट्रिपल इंटीग्रल क्वेश्चन कैसे करबा बुझ पाल स्टूडेंट तो वीडियो को पॉज करके फास्ट नोट डाउन कर दियो थियोरीटा तापर हम क्वेश्चंस को आडू जीवा हला तो देखो स्टूडेंट तो क्वेश्चन कौन दे छ इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन 0 टू 1 नेक्स्ट 0 टू 2 फंक्शन देखिए एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर डीएक्स डीवाई तो कैसे करेंगे देखो स्टूडेंट तो मुझे ट्रिक बताऊँ देखो लिमिट रे सब कौन अच्छी कांस्टेंट अच्छी लिमिट रे कौन अच्छी कांस्टेंट अच्छी तो लिमिट रे कांस्टेंट अच्छी आइदर तुम फर्स्ट एक्स रे भी कर वाई रे कर फर्स्ट वाई रे कर एक्स रे जो भी कले कि असुविधा रही ना बुझ पाला स्टूडेंट मन रखी था ध्यान से जदि लिमिट रे कांस्टेंट अच्छी देख पार तो कांस्टेंट अच्छी ना मीन्स गोटे नंबर अच्छी जीरो टू वन जीरो टू टू तो जीरो टू वन जीरो टू टू गोटे कौन नंबर तुम इंटीग्रेशन फर्स्ट एक्स रे कर y रे कर पेलियो नले y रे करकी x रे कर पेलियो जो उतरे भी करि होबो बुझ पाला तो चलो स्टूडेंट तो फर्स्ट केमती करबो दि ध्यान से देखो तो कोन देछि 0 टू 1 0 टू 2 x स्क्वायर प्लस 3x y स्क्वायर होल ब्रैकेट dx तापरे केतरा रहला स्टूडेंट dy तो फर्स्ट हम कोन करबा ए लिमिटटा दैट मींस 0 टू 2 लिमिटटा का पाई x पाई आ 0 टू y लिमिटटा का पाई सॉरी 0 टू 1 लिमिटटा का पाई y पाई हला तो हमें dy को फर्स्ट में साइड कर दूं तो 0 टू 1 dy में साइड कर देली ताको करियर नहीं हमको विथ रिस्पेक्ट टू x रे करियर अछि तो 0 टू 2 x स्क्वायर प्लस 3x y स्क्वायर बुझ पाला स्टूडेंट तो फर्स्ट हमें कोथरे करबा x रे करबा जहां आंसर आसीबो ताको हमें तबरे y रे करियो बुझ पाला स्टूडेंट तुम्हें केमती कॉल देख दियो ब्रैकेट दे देबो तो फर्स्ट एडे x रे करछु तापर हमें y रे करबा हला तो 0 टू 1 dy as it is thou चलो x पर इंटीग्रेशन हमें जान चुके थे x cube by 3 तब पर लिमिट यूज करिवा तो 0 टू 2 प्लस x रे इंटीग्रेशन करछु तो 3 और y स्क्वायर कांस्टेंट
x rendition y square by 2 which fellow student तो 0 to 2 which fellow student मुझको आप बोली x square rendition क्या था x cube by 3 तो by 3 को मैं side रे लिख ले limit 0 to 2 और 3 y square तो 3 y square टाइप कौन constant x rendition x square by 2 which fellow अब limit use कर चला तो चलो 0 to 1 dy edit out तो 1 by 3 तो edit put कर ले upper lower तो 2 रो क्यूब माइनस 0 रो क्यूब प्लस 3 y स्क्वायर बाय 2 एडा केते स्टूडेंट 2 रो स्क्वायर माइनस 0 रो स्क्वायर व्हिच फॉलो स्टूडेंट देखो विथ रिस्पेक्ट टू x रो करछ माने x रे ही वैल्यू पके व्हिच फॉलो वैल्यू कोथरे पके हो x रे खाली हम इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x रे पके छु अब ये 0 टू 2 टा का बाय लिमिट हमर x पाई क्ला चलो तो एटी सिंपलीफाई करो तो 0 टू 1 dy थाउ तो एडा केते 2 रो क्यूब तो 8 8 माइनस 0 तो एडा केते हला 8 बाय 3 एडा केते हला 8 बाय 3 प्लस केते होचे 3 y स्क्वायर बाय 2 थाउ एडा केते होचे 4 2 रो स्क्वायर 4 माइनस 0 तो दैट इज योर ओनली 4 व्हिच फॉलो स्टूडेंट तो 2 एडा 4 काटि दियो तो 0 टू 1 8 बाय 3 प्लस केते होचे 2 इनटू 6 2 इनटू 3 तो 6 y स्क्वायर dy व्हिच फॉलो स्टूडेंट एमे देखो ये कन्वर्ट हो गेला कोथरे सिंगल इंटीग्रल रे हला आ विथ रिस्पेक्ट टू हमरे y रे करियर छ तो चलो 8 बाय 3 तो पीछे में माने 1 1 इंटीग्रेशन y तो 0 टू 1 प्लस 6 y स्क्वायर इंटीग्रेशन y क्यूब बाय 3 0 टू 1 तो 8 बाय 3 तो लिमिट पुट करियो 1 माइनस 0 प्लस एटा काट देले केते होछ 2 1 रो क्यूब माइनस 0 रो क्यूब तो 8 बाय 3 1 माइनस 0 होछ 1 2 इनटू 1 तो फाइनली केते होछ 8 बाय 3 प्लस 2 अब एलसीएम केते होछ 3 तो 8 प्लस 6 तो आंसर 14 बाय 3 व्हिच फॉलो स्टूडेंट तो देखो स्टूडेंट केते इजी वे रे हम कर देली तुमको कोन रहला तुमरो डबल इंटीग्रल तो ई हिसाब रे ठीक आराम से 1 बाय 1 करिवो देखो तुम सब क्वेश्चन आराम से तुम सॉल्व कर पेरे व्हिच फॉलो स्टूडेंट एते भी टफ नहीं तो खाली आराम से ध्यान से देखो क्वेश्चन को टाइप रे होछ हैला तो चलो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर दियो ये ला तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आवरी किसी किसी एग्जाम को करिया प्रिंसिपल और पर डाउट ना क्लियर है जी मतलब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा देखो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन दे छि स्टूडेंट नंबर 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई cos x plus y dy dx कौन दे छि dy dx एटा दे छि क्वेश्चन व्हिच फॉलो स्टूडेंट तो चलो सेम प्रोसेस रे करिवा 0 टू पाई बाय 2 0 टू पाई cos x plus y dy लिख देला तापर एटा कोन dx तो फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू हम y रे करिवा तापर जाके x रे करिवा हैला तो dx को साइड कर दियो 0 टू पाई बाय 2 dx को साइड कर देली तो यार इंटीग्रेशन करिवा 0 टू पाई cos x plus y into dy हैला तो 0 टू पाई बाय 2 dx तो ये कौन करे स्टूडेंट देखो cos a plus b रो फार्मूला पके खोली दबा देले कोन हो गेला टर्म टा इजीली तुम सॉल्व कर करियो हैला तो चलो cos a plus b रो फार्मूला cos a into cos b माइनस sin a into sin b व्हिच मतलब यार इंटीग्रेशन करियो 0 टू पाई होल ब्रैकेट dy तो 0 टू पाई बाय 2 dx हाउ चलो स्टूडेंट इंटीग्रेशन करेगा तो हम विथ रिस्पेक्ट टू कोथरे करछु y रे करछु तो cos y हे गेला हमर कांस्टेंट cos y कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई cos सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू y रे करछु तो cos x कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ cos y dy माइनस sin x कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ sin y dy 0 टू पाई व्हिच फॉलो स्टूडेंट हम विथ रिस्पेक्ट टू कोथरे करछु y रे करछु से तो एक्स वाला पार्ट कौन है जीवो कांस्टेंट है जीवो है ना तो चलो तो जहाँ रहेला 0 to pi by 2 dx as it is था उस आगे था बोरे बुझवा इड कितने अच्छी
cos x हाँ cos वाले इंटीग्रेशन हम जानते कौन है sin y cos वाले इंटीग्रेशन sin y लिमिट पके बा 0 टू पाई 0 टू पाई चलो माइनस sin x हाँ sin y वाले इंटीग्रेशन माइनस cos y तो माइनस ये माइनस कौन है जीवा प्लस cos y इट इज 0 टू पाई विच वाले फ्रेंड तो 0 टू पाई बाय 2 dx तो ये रहला हमरा cos x लिमिट पुट करिवा तो कहते हो फ्रेंड sin पाई माइनस sin 0 प्लस sin x इट इज cos पाई माइनस cos 0 विच पहला तो 0 टू पाई बाय 2 dx तो देखो फ्रेंड sin पाई भी 0 sin 0 भी 0 तो एटा पूराटा 0 माइनस 0 तो ए टर्म टा कोन पूरा 0 हो तो 0 इनटू एनीथिंग पूरा 0 ए टर्म टा पूरा 0 प्लस sin x cos पाई माइनस 1 माइनस cos 0 होची 1 बुझ पाला तो फाइनली केतरा रहला स्टूडेंट माइनस 2 एटा केते माइनस 2 तो हमर केतरा रहला 0 टू पाई बाय 2 एटा केतो होची माइनस 2 sin x dx केते रहला माइनस 2 sin x dx तो चलो माइनस 2 को बाहर कर दियो 0 टू पाई बाय 2 sin x dx तो माइनस 2 sin रोटेशन माइनस cos x 0 टू पाई बाय 2 तो ये माइनस के गला प्लस 2 लिमिट पुट करो cos पाई बाय 2 माइनस cos 0 तो 2 को 2 cos पाई बाय 2 हो जी 0 माइनस 1 तो फाइनल आंसर कितने माइनस 2 विच वाला स्टूडेंट तो फाइनल आंसर कितने माइनस 2 तो ये थला तुम्हारा नेक्स्ट एग्जांपल बुझला आई होप तुम आराम से बुझी पड़ते हो को टाइप का क्वेश्चन होची किछ नै तुम खाली लिमिट चेक करे छ को हिसाब रे जारन बेसिक फंडामेंटल इंटीग्रेशन सॉल्व अछि तर फंडामेंटल स्ट्रांग होची आराम से किछ भी असुविधा रहइबो नै हला तो वीडियो को पॉज करी नोट डाउन कर दियो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अछि तो फर्स्ट क्वेश्चन उठे सॉल्व के लिखि देबा 0 टू 1 0 to x 0 to 1 0 to x का मल्टीप्लाई कर देले केते हो फ्रेंड x क्यूब प्लस x स्क्वायर y dx dy तो देखो फ्रेंड तो ओडे इनसम मार्क करतो लिमिट रे हमर x अछि बुझ पलो फ्रेंड या आगु तो भी कभी देखिनो थो कि लिमिट रे x अछि हला तो लिमिट रे भी वेरिएबल रह पारे बुझ पलो लिमिट रे खाली कांस्टेंट रहबो ता मतलब नै लिमिट रे भी तोमर x रह पारे लिमिट रे भी तोमर y रह पारे हला तो एही टाइप रे क्वेश्चन को केम सॉल्व करिया तो देखो एबे लिमिट जेहेतु x अछि त मन रखा दिसपन जदि लिमिट रे x अछि त एडा x रे इंटीग्रेशन हेई परिबो नाही कोथरे हेई परिबो नाही x रे हेई परिबो नाही ताले जदि x रे हेई परिबो नाही त कोथरे हबो ओबवियसली y रे हबो बुझ पाला त x को हम साइड कर दवा ताले त 0 टू 1 dx बुझ पाला स्टूडेंट मन रखा जे 0 टू x अछि त एडा कार लिमिट हेतु ऑलवेज y रहितु काहे कि x लिमिट x रे हेई परिबो बुझ पाला स्टूडेंट x लिमिट x रे हेई परिबो नाही तो बेसिकली एटा का रहितो y रहितो हला ताले जदि लिमिट रे x से अछि ताले हम x रे करि परिबा नाही ताले बाय डिफॉल्ट बचिला कोन y तो y रे करिबा से त हम x को साइड कर देली 0 टू x x क्यूब प्लस x स्क्वायर y dy बुझ पलो फ्रेंड इट इज सिंपल जदि लिमिट रे x अछि तो x रे करि परिबनी से त हम x को साइड कर देली एबे हम इंटीग्रेशन को थ्रू करिबा विथ रिस्पेक्ट टू y रे हला तो चलो तो 0 टू 1 dx आउ चलो y रे करले केता हो x क्यूब कांस्टेंट 0 टू x केते होची 1 dy प्लस x स्क्वायर 0 टू x y dy मन रखा फ्रेंड हला एठी हम इंटीग्रेशन करला बळे हम विथ रिस्पेक्ट टू y रे करचू y रे कोला माने x को हम कांस्टेंट बोली ट्रीट करबा मन रखा फ्रेंड जेते पार्शियल डेरिवेटिव हुए तो डबल इंटीग्रल ले हम जेते x रे इंटीग्रेशन करचू y को कांस्टेंट ट्रीट करबा जेते y को इंटीग्रेशन करचू x को कांस्टेंट ट्रीट करबा एई जिंस माइंड रे रखिबो हला सेते हम x क्यूब इंटीग्रेशन कोन x क्यूब को साइड कर देली तो कोन रहला 1 dy एबे x स्क्वायर को साइड कर देली y dy हला तो चलो 0 टू 1 dx आउ या कथा परे बुझिबा x क्यूब 1 रे इंटीग्रेशन y लिमिट 0 टू x x स्क्वायर को x स्क्वायर रहला y रे इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2 तो y 2 टा हम एथि लिखु छी 0 टू x हला तो 0 टू 1 dx तेटा केते होची x क्यूब एडी पुट कर अपर माइनस लोअर तो केते हो x माइनस 0 प्लस x स्क्वायर बाय 2 एडी x को पुट कर
एक्स स्क्वायर माइनस जीरो रो स्क्वायर बुझ पाला नेक्स्ट इट इज 0 टू 1 dx थाउ चलो एटा मल्टीप्लाई करला किते होचे x माइनस 0 होचे x x इनटू x क्यूब तो दैट इज योर x 4 प्लस x स्क्वायर तो देखो फ्रेंड्स x स्क्वायर ये भी देखो x स्क्वायर माइनस 0 तो x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर तो x 4 बाय 2 देखो फ्रेंड्स x 4 बाय 2 चलो तो 0 टू 1 एटा एलसीएम लेले किते होस फ्रेंड वे एलसीएम लेके जाओ एलसीएम लेले 2x4 प्लस x4 बाय 2 बाय 2 होल रेड dx तो देखो फ्रेंड अभी नॉर्मल x कोन फंक्शन में खाली कोन अछि क्वेश्चन में खाली x अछि आ विद रिस्पेक्ट टू x रहो बुझ पाला तो 1 बाय 2 को बाहर कर देली 0 टू 1 2x4 तो केते होछि 3x4 dx तो 3 को भी साइड कर दियो तो 3 बाय 2 0 टू 1 x4 dx तो 3 बाय 2 एक्सपोनेंटेशन x5 बाय 5 0 टू 1 तो आंसर कितना हो ची 3 बाय 10 1 टू द पावर 5 माइनस 0 टू द पावर 5 को लिमिट पुट कर चला तो 3 बाय 10 1 टू द पावर 5 1 माइनस 0 तो फाइनल आंसर 3 बाय 10 बुझ पारो स्टूडेंट तो ई टाइप रे क्वेश्चन सब सॉल्व करबे देख पाछो एडी लिमिट रे भी वेरिएबल थला तो ई टाइप रे क्वेश्चन भी तुम पाइबो कि लिमिट रे भी तुम्हारा वेरिएबल आसीबो बुझ पालो नेक्स्ट देखो फ्रेंड क्वेश्चन कोन दिछि डबल इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू 1 y स्क्वायर y 1 xy स्क्वायर dx dy तो देखो फ्रेंड लिमिट रे y अछि एति जानि पड़छो यदि लिमिट रे y अछि तो y रे नै परिबो नाही फर्स्ट y रे नै परिबो नै हला तो फर्स्ट हम y को साइड कर देबा 0 टू 1 dy को चुपचाप साइड कर देली y स्क्वायर y 1 xy स्क्वायर dx हला तो यदि y रे परिबो तो ऑब्वियसली x रे हबो हला चलो तो 0 टू 1 dy तो चलो फ्रेंड इंटीग्रेशन करिबा तो 1 रे इंटीग्रेशन केते x लिमिट y स्क्वायर टू y प्लस विथ रिस्पेक्ट टू x रे कोचो तो y स्क्वायर कांस्टेंट x रे इंटीग्रेशन केते x स्क्वायर बाय 2 लिमिट y स्क्वायर टू y बुझ पाला फ्रेंड आप फिर चेक कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x रे कोचो तो 1 रे इंटीग्रेशन x लिमिट y स्क्वायर टू y y स्क्वायर कांस्टेंट काई का हम x रे कोचो तो y स्क्वायर कांस्टेंट x रे इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 लिमिट y स्क्वायर टू y ठीक अछि तो चलो 0 टू 1 dy वे लिमिट पुट करो y माइनस y स्क्वायर अपर माइनस लोअर प्लस y स्क्वायर बाय 2 इट पुट करो y रो स्क्वायर माइनस y स्क्वायर रो स्क्वायर बुझ पल्लो तो 0 टू 1 dy ये सिंपलीफाई करो y माइनस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय 2 एटा केते y स्क्वायर माइनस y 4 बुझ पालो फ्रेंड चलो फिर 0 टू 1 0 टू 1 एटा देखो सिंपलीफाई कर दियो y माइनस y स्क्वायर एटा मल्टीप्लाई कर लगे तो फ्रेंड प्लस y 4 बाय 2 y 4 बाय 2 प्लस इनटू माइनस माइनस y केते हो फ्रेंड y 6 y 6 बाय 2 होल रे dx सॉरी dy होल रे dy कुछ पर फ्रेंड तो देखो फ्रेंड कुछ सिंपल नॉर्मल लेवल नॉर्मल इंटीग्रेशन आराम से कर परियो तो केते हो फ्रेंड देखो y रो तो केते y रो y स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 टू 1 माइनस y स्क्वायर रो y क्यूब बाय 3 लिमिट 0 टू 1 प्लस 1 बाय 2 कांस्टेंट y4 रो y5 y5 लिमिट 0 टू 1 माइनस 1 बाय 2 y7 बाय 7 लिमिट 0 टू 1 बुझ पाला तो 1 बाय 2 1 रो स्क्वायर 1 माइनस 0 माइनस 1 बाय 3 1 माइनस 0 तो 1 रो क्यूब 0 रो क्यूब 1 रो क्यूब 0 रो क्यूब सॉरी 1 रो स्क्वायर 0 रो स्क्वायर प्लस 1 बाय 10 1 टू द पावर 5 माइनस 0 टू द पावर 5 माइनस 1 बाय 14 1 टू द पावर 7 माइनस 0 टू द पावर 7 तो कहते हो जी 1 बाय 2 इनटू 1 माइनस 1 बाय 3 इनटू 1 प्लस 1 बाय 10 इनटू 1 माइनस 1 बाय 14 इनटू 1 तो 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 3
प्लस वन बाय टेन माइनस वन बाय फोर्टीन बाय टू। तो देखो तो ताको जेते टोटल ताको तमे सिंपलीफाई करबो एलसीएम नै कि तो आंसर केते होवो 41/210। बुझ पलो स्टूडेंट ये होचा हमर फाइनल आंसर होला। ताको एलसीएम नै सिंपलीफाई कर देबो तो देख पछ स्टूडेंट ई टाइप रो ई कांसेप्ट यूज करके हमर कोन करबा डबल इंटीग्रल को सॉल्व करबा हला। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट देखिवा आउटे बडा क्वेश्चन देछि कोन देछि लिमिट 0 टू 2 लिमिट x रो x + 2 x + y dy dx हला। तो देखो स्टूडेंट फर्स्ट में नजर देखि परथबो लिमिट x रे अछि तो x रे फर्स्ट हे परिबो नाही जदी फर्स्ट x रे हे परिबो नै त ओब्वियसली y रे हबो। तो हम x को साइड कर देबा तो 0 टू 2 हम x को आराम से साइड कर देलु x रो x + 2 x + y dy हला। तो चलो 0 टू 2 dx रहिला। चलो कोथरे करबा हम y रे करबा तो x तो कौन रहला x तो x into 1 तो x x plus 2 को कांस्टेंट साइड कर दी 1 dy plus इंटीग्रेशन ऑफ x to x plus 2 x plus 2 y dy। बुझ पलो स्टूडेंट कौन कर ली x हो जो कांस्टेंट तो कांस्टेंट साइड कर दी तो 1 1 नो इंटी 1 dy और x to x plus 2 y dy तो 0 to 2 dx खाओ x to x रहला 1 इंटीग्रेशन y x रो x plus 2 plus y integration y square by 2 x रो x plus 2 कुछ कर लो तो 0 रो 2 dx थाउ तो x को x रो ला चलो लिमिट पुट करिया अपर माइनस लोअर तो अपर कहते x plus 2 minus x plus 1 by 2 इटे पुट कर अपर तो x plus 2 रो स्क्वायर माइनस x रो स्क्वायर। कुछ बोलो स्टूडेंट तो 0 टू 2 dx एज इट इज आउ तो इधर कहते हो स्टूडेंट x इनटू इधर कहते हो स्टूडेंट इधर अगर मैं खोली दे भी तो प्लस x माइनस x कैंसिल तो खाली कहते रहेला 2 ओनली रहेला 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 इधर को खोली दियो कहते हो स्क्वायर तो ए प्लस बी जो होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी तो कहते हो स्टूडेंट 4x माइनस एक्स स्क्वायर तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसल। बुझ पड़ लो स्टूडेंट कौन कर ली है ना आई होप मैं आपसे कह दूँ कि एक्स को एक्स रखी चाहिए थी। देखो स्टूडेंट प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल तो ओनली टू रहेगा और वन बाई टू रहेगा ए प्लस बी होल स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसल ये भी 0 टू 2 ये कहते हो जी 2x प्लस ये कहते हो स्टूडेंट देखो 1 बाय 2 4 प्लस 4x dx तो 0 टू 2 2x ये तो 2 कॉमन नहीं काटी देले कहते हो स्टूडेंट 1 बाय 2 तो 2 कॉमन नहीं जाओ 2 प्लस 2x dx तो 2 2 कैंसिल 0 टू 2 2x तो 2 प्लस 2x dx तो फाइनली कहते हैं 0 टू 2 2x प्लस 2x 4x प्लस 2 dx कुछ पहला तो यार हमें सिंपल इंटीग्रेशन करेगा तो 4 को 4 रहेगा x रे इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 x स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 टू 2 प्लस 2 रे इंटीग्रेशन 2 कांस्टेंट 2x 0 टू 2 तो ये काट ले 2 2 रे स्क्वायर माइनस 0 रे स्क्वायर प्लस 2 2 माइनस 0 तो 2 को 2 2 रो स्क्वायर ला 4 प्लस 2 इनटू 2 इधर 2 4 इनटू 2 8 प्लस 4 तो फाइनल आंसर 12 ना। आई होप स्टूडेंट तुम्हें इतनी क्वेश्चन भीतर फंडामेंटल आईडिया आसी आई थो कि डबल इंटीग्रल केमती करियर अछि हम नेक्स्ट वीडियो रे इटा इंट्रोडक्शन वीडियो थला हम नेक्स्ट वीडियो रे आउरी किछ किछ क्वेश्चन करिवा ज्यादा रो तुम फंडा क्लियर हो जइबो तापर हम टाइप्स ऑफ डबल इंटीग्रल ले जइबा जोसे बहुत सारा टाइप्स पढ़ेगा डबल इंटीग्रल में बहुत सारा टाइप्स अच्छी तरह एप्लीकेशन अच्छी तब ट्रिपल इंटीग्रल विषय पढ़ेगा। बुझ पड़ो स्टूडेंट तो तुम्हारे फंडामेंटल पूरा क्लियर हो। बुझ पड़ो स्टूडेंट तो थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट।